आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव रायपुर समदी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। 1800 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान गुड्डू अली ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान गुड्डू अली व सचिव सुशील कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को कितना सजाया है, कितना विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के रायपुर समदा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह से इनकी आगे समय रहते कोशिशें जारी रहेंगी या किस तरह की समस्याएं यहां गांव में अभी बाकी है जिनसे लोग जूझ रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेकर के हम आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल आपका लगभग पूरा अब समाप्ति की तरफ है, 5 साल पूरे होने को हैं, अब तक के बीते समय में क्या क्या विकास कार्य गाँव में करवाए आपने? मैडम, विकास कार्य हमने पूरे गांव में ही हमने ये पीछे मंज रहा है। हमारा ये गांव है रेल मिलन धर्मपुर में, करीब हमने 95% रास्ते करा चुके हैं और बाकी अभी ऐसे मान लो 5% रास्ते हमारे पास हैं, इसकी भी कोशिश हमारी जारी है। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत पूरी? हाँ, ओडीएफ हो गई। हमारे शौचालय बन रहा है, सार्वजनिक शौचालय बन रहा है जी। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास करीब 34 आवास हमने बनवाए हैं और रास्ते भी काफी करीब 95% रास्ते कराते हैं। इस आपके ग्राम पंचायत में आसपास के और भी छोटे गांव लगते हैं? हाँ, 3 गांव लगते हैं। तो हमारा ये मंजरी है, मतलब ये तो रास्ते संदम ही। तो रास्ते आपने मतलब आसपास के गांव को मिलाकर सभी में लगभग पक्के करा दिए? 95% करा दिए। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवासों की जरूरत अभी कम से कम हमारे 86 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसमें क्या लगभग अभी 56 या आसपास आवास हमारे पास भी हो चुके हैं। उनका देखो पैसा कब तक आता है, बाकी आगे समय में पता चलेगा आने वाले में। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट ये लगवाई है गाँव में? पूरे ही गांव में, मतलब 3 ग्राम पंचायतों में हमने जो खम्भे वाली बिजली की लाइट होती है बड़ी लाइट, ये सारी जगह लगवाई है। बहुत अच्छी रोशनी होती है रात में। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आ रहा है, तो आपके ग्राम पंचायत में आपके जो मजरे उनको भी मिला करके कितने % लोगों को इन योजनाओं का लाभ पूरा मिल पाता है? हमारे गाँव में ऐसे मान के चलो लगभग अभी 20% लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, बाकी सभी को लाभ मिल रहा है। और ये बिजली का कनेक्शन तो हमारे यहाँ सभी के हो गए हैं। कुछ बच्चे जान पूछ के नहीं लगवाए, बाकी ना। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गांव? साफ सफाई हमारे यहाँ बढ़िया है, सफाई कर्मचारी आता है रेगुलर? हाँ, जो समय सफाई कर रही है हमारे यहाँ। मिशन का है तो उसके अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम हुए हैं? स्कूल में हमारे यहाँ टाइल्स, सारे फर्शों में टाइल्स लगवा दी गई है, काफी फर्श करा दी, फर्श पूरे स्कूलों में जो जहाँ जहाँ हमारी जरूरत थी, मतलब जहाँ जो सुविधा जरूरत थी जरूरी, वो आपने यहाँ पर मुहैया करा दी है जी। अब अपने गांव को और ज्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या मांग आप प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग ये सरकार से कि अभी जो हमारे पक्के काम मनरेगा से होते हैं उन पर रोक लगी है डीएम साहब की तरफ से, वो हमारी दो हट जाए तो हम काफी जो आने वाले रास्ते जो आगे वाला टाइम उसमें रास्ते कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? पंचायत घर नहीं है, इसकी फाइल पास हो चुकी है, अभी पैसे भी दे रहे हैं जी। ग्राम समाज की जगह है यहाँ? ग्राम समाज की जगह है। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र सब स्कूल की तरह जगह में बने हुए। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी वहीं पे ही है। आंगनबाड़ी? अस्पताल? अस्पताल नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से अस्पताल? तो बहुत कुछ जगह नहीं पड़ता है। आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र तो यही मतलब जो आंगनबाड़ी वगैरह हमारे गांव में है वो तो मतलब कोई सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, जैसे कि अगर छोटी मोटी बीमारी यहाँ पर खांसी जुकाम वगैरह या वक्त में वक्त अगर किसी को जरूरत पड़ जाए दवाई लेने की, तो यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है? लोकल ही डॉक्टर हैं जो लोकल जी या इधर टांडा रामपुर जिले में या फिर मुरादाबाद।
जी नहीं है यहाँ पे जो मैं लोकल डॉक्टर जो होते हैं अभी हमें कुछ अभी बता रहे थे कि यहाँ बिजली को लेकर के थोड़ी सी समस्या है। हमारे एक ग्राम पंचायत ये सुंदर चतुर्भुज में यहाँ पे भी एक औरत मर गई थी 11,000 की लाइन गांव में हमारे गांव में भी इसमें मंदिर में 11,000 की लाइन चल रही है और जो हमारी मेन लाइन है वो भी हमारे खेतों में है जी। किसान परेशान है इससे तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं किस तरह की बनने चाहते हैं कि इसमें हमारी लाइन मतलब ये कि रोड के किनारे अगर हो जाए लाइन ज़्यादा बेहतर रहेगी गाँव के लिए खेतों के बीच से हट करके किनारे खेतों के बीच से क्योंकि इसमें अगर कोई तार गिर जाए कोई भी आम अधिकारी आम आदमी है तो उसको दिक्कत हो जाएगी मौत भी हो सकती है। जैसे कि प्रधान जी अनलॉक हो चुका है और कोरोना महामारी अभी देखी जाए तो बढ़ रही है इसको लेकर के अपने ग्रामवासियों को कुछ जागरूकता संदेश देना चाहेंगे। जागरूकता संदेश यही है हमारा कि हम सबसे यही कहते हैं कि अपने घर से निकलो तो ढाका मुंह से ढाका लगा के निकलो और जरूरी काम से ही निकलो बाकी ऐसे बेवजह कहीं भी मत जाओ जी। ये है जैसा कि आपने देखा यहाँ प्रधान जी से हमने बातचीत की है। एक बीते कार्यकाल में काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है जैसे सीसी टाइल्स कार्य सड़क निर्माण लगभग 95% जो रास्ते हैं यहाँ के पूरी तरह से पक्के हो चुके हैं बाकी के लिए भी इनकी कोशिशें जारी हैं। आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं लेकिन अब भी लगभग 80-86 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है लेकिन अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं यहाँ आज भी मौजूद है जैसे बारात घर पंचायत घर जो अभी तक यहाँ पर निर्मित नहीं है और सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो कि आसपास यहाँ कोई भी स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है कई किलोमीटर दूर यहाँ मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए जाना पड़ता है। तो प्रधान जी की यहाँ प्रमुख मांग रही है कि लोगों को आवास मिले और स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर जो है कोई ना कोई साधन इनको उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही एक समस्या जो और यहाँ बताई जा रही है वो हाई टेंशन लाइन को लेकर है जो कि हाई टेंशन लाइन लोगों के खेतों के बीच से होकर गुजर रही है जिससे ये चाहते हैं कि वो खेतों से हटकर सड़क के किनारे लगाई जाए क्योंकि देखा जाए तो इससे आमजन को भी काफी जान का खतरा बना हुआ है। अशरफ अली के साथ मिनाजिम टुडे 24। क्या नाम है आपका? जी कहाँ के निवासी हो? अच्छा यहाँ पे जो ग्राम प्रधान जी का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है इसमें 5 वर्ष में विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास हमारे यहाँ बहुत हुआ है 25 साल पहले नहीं हुआ 5 साल में। अच्छा ज़्यादा विकास हुआ किस तरह से हुआ? बहुत बढ़िया विकास हुआ काम रास्ते नेट पैट सब काम बढ़िया। आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? हाँ सर। जी सर क्या नाम है आपका? विशाल प्रताप सिंह। आप यहाँ किस विद्यालय में और किस गांव में किस पद पर कार्यरत हैं? अच्छा जूनियर हाई स्कूल रायपुर सन्ना सहायक अध्यापक के तौर पर। अच्छा यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा स्कूल में क्या क्या विकास कराया गया? टाइल्स बिछवा दी गई पंप लगवा दिया गया टंकी लगवा दी गई समर टेबल हो गया हाथ धोने का वाशिंग मशीन हो गया और थोड़ी मिट्टी भी डलवाई थी मैंने। अच्छा जब आपको जरूरत होती है जब ग्राम प्रधान टाइम देते हैं विद्यालय के लिए? हाँ आ जाते हैं।